रहे हैं? बहुत खिलौने, बिस्कुट, चॉकलेट, बहुत अच्छे लग रहे हैं। कोई आपके पास पहले भी आया है ये खिलौने बांटने? कोई नहीं आया। ठीक, आप इस संस्था के बारे में क्या कहना चाहोगे इन लोगों के बारे में जो आपके बच्चों को खिलौने बांट रहे हैं? धन्यवाद बोल रहे हैं। जो गरीब होने के कारण में बच्चे हैं उनका भी मन करता है कि हम भी खिलौनों के साथ खेलें, तो गुरु जी ने प्रेरणा दी, उसके हम बच्चों ने खिलौने वितरित किए। कितने बच्चों को बांटे गए आपकी? ये 111 बच्चों को पीटे। क्या क्या था इनके अंदर, किटों के अंदर? इनके अंदर बिस्कुट थे, खिलौने थे छोटे छोटे बच्चों के, जैसे कार है, चॉकलेट है, खाने के लिए किट में छोटी छोटी कारें, बिस्कुट, चॉकलेट, बच्चों खेल लेंगे, खाएंगे। ये अपने गुरु जी की प्रेरणा से चल रहे हैं और समय समय पर सारे काम जरूरत के अनुसार, कंबल बांटने, टोपे, जुराब, जर्सी और बलिदान कराम अपने गुरु जी की प्रेरणा से करते रहूँ। मतलब बच्चों को कैसा लगा जब आपने इनको किट बांटी? बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, खुश हो रहे थे, इनके माता पिता भी खुश हो रहे थे। ये प्रोग्राम डॉक्टर MS जी की प्रेरणा के द्वारा हमने आज बच्चों को खिलौने प्रेरित वितरित किए हैं, ताकि जो ये बच्चे हैं अति गरीब परिवारों के, ये भी खिलौनों से वंचित ना रहें, इनको भी सारे अधिकार हैं खेलने के, खिलौनों के साथ। तो गुरु जीओं को प्रेरणा के द्वारा हमने लगता और भी सामाजिक संस्थाएं साथ में आनी चाहिए, समाज सेवा के बिल्कुल सभी को आना चाहिए जी। बच्चे तो मालिक का रूप होते हैं, बच्चों के लिए ऐसा तो प्रोग्राम बच्चों के लिए करते रहना चाहिए सभी, जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं।